أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मेरे प्यारे भाइयों और बहनों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान मुराद अली शाह। मैं अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम देखने का, सब्सक्राइब करने का शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम बनाएंगे कराची वाला देगी स्टाइल आलू गोश। ये गोश है जी बगैर हड्डी का, और ये आलू है हमने उबाल के रखे हुए। अगर आप चाहें तो कच्चा भी डाल सकते। ये खड़े मसाले, काली इलायची, बादियान के फूल, दालचीनी, लौंग, जीरा, काली मिर्ची, तेज़पत्ता, और ये पाउडर मसाले, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, दही, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन अदरक, नमक, इन सब मसालों को मिलाते हैं। कराची स्टाइल देगी आलू गोश्त बनाते हैं, दिखाते हैं आपको। जी हमने पानी रख दिया, गरम हो गया, पहले धोएंगे गोश्त को। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गोश्त को गर्म पानी के साथ धोया करें, इसमें खून होता है, स्मेल होती है, जरासीम होते हैं, वो सब के सब गर्म पानी के साथ साफ हो जाते हैं। धोएंगे 1 से 2 मिनट। ये जी 1 से 2 मिनट हमने गोश्त को धो लिए, बाहर निकालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जी सारा गोश्त बाहर निकाल दिया, आप कलर देखें, धोएंगे ताज़ा पानी से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब देखें अभी खून है, धोया करें, अपने आप को और अपने बच्चों को बीमारी से बचाया करें। शुक्रिया। ये पानी देखें, घी रख दिया, डालेंगे प्याज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्याज को पकाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हल्के से पक गए। टेम्पे डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसको भी साथ में पकाएंगे। डालते हैं टमाटर, साथ में डालेंगे दही, नमक डालेंगे अजवाइन का, ढक्कन रखेंगे, 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे।
10 मिनट हो गए हमने टमाटर और प्याज पे ढक्कन रखा हो, तो ढक्कन हटा के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर और दही का पानी सूख गया। टेम्पे डालेंगे खड़े मसाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में डालेंगे हरी मिर्ची। आधे चम्मच से कम हल्दी पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा चम्मच मिर्ची पाउडर। आधे चम्मच से कम धनिया पाउडर। आधे चम्मच से कम जीरा पाउडर। आधे चम्मच से कम गरम मसाला मिलाएंगे। हल्का सा पानी डालेंगे। मसालों की बुनाई कर दें। डालते हैं गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त की बुनाई करते हैं मसालों के साथ। ये जी 5 मिनट हमने गोश्त की बुनाई कर दी। उस टाइम पे डालेंगे पानी, गरम पानी डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने प्रेशर कुकर में पकाने तो 1 गिलास पानी डालें, अगर खुले बर्तन में पकाने तो 2 गिलास डालें। ढक्कन रखेंगे, 40 मिनट तक इसको पकाएंगे। ये 40 मिनट पहले हमने गोश्त पे ढक्कन रखा हुआ था, ढक्कन हटा के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह पानी सूखने वाला है। आप देखें कैसी गाढ़ी ग्रेवी बन गई। इसकी ग्रेवी पतली नहीं होती, शादियों वाला आलू गोश है, गाढ़ी ग्रेवी में ये बनता है। अब डालेंगे आलू, उबले हुए आलू है। अगर आप चाहते हो तो कच्चा आलू भी डाल सकते हो। डालते हैं आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको एक उबाला देंगे आलू में, फिर दम पे रखेंगे। ये जो हमने आलूओं को एक उबाला दे दिया, चूल्हा कम कर दिया, इस साइज पे रखना है। इसको रखेंगे 5 मिनट के लिए दम पे। 5 मिनट के बाद डिश आउट करेंगे, दिखाएंगे आपको। ये जी 5 मिनट के लिए हमने आलू और गोश्त को दम पे रखा हुआ था, ढक्कन हटा के देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह देगी स्टाइल आलू गोश्त बन गया। इतनी ग्रेवी रखनी इसकी,
ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। शादियों वाला आलू गोश्त ये ज़्यादा पतला नहीं होता, इस तरीके से गाढ़े गाढ़े भी होती है। करते हैं डिश आउट, डालेंगे प्लेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी अल्हम्दुलिल्लाह, कराची वाला देगी स्टाइल आलू गोश बन गया। आप भी बनाएं इसी तरीके से, ऐसे ही मसालों में। इंशाल्लाह आपका देगी स्टाइल आलू गोश लाजवाब होगा। अल्लाह आपका नसीब करे प्रोग्राम देखने का। शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम यहीं तक था। चाहेंगी इजाज़त। अपना ख्याल रखे, अपने पड़ोस का ख्याल रखे, अपने बुज़ुर्गों और बच्चों का ख्याल रखे, और हमें अपने दुआओं में याद रखे। अल्लाह हाफिज़।